गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में समास। समास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड। जैसे कि नीला है जो कमल, उसे हम क्या कहते हैं? नील कमल। दस आनन है जिसके, क्या कहते हैं? दशानन। माल के लिए गाड़ी, एक शब्द में क्या कहते हैं? मालगाड़ी। राजा का कुमार, राजकुमार। तो इस प्रकार अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। तो समास के कितने भेद हैं? पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है अव्ययी भाव समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठवा है द्वंद्व समास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के बारे में। इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कर्ता तथा संबोधन, इन दो कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी छह कारकों के आधार पर इस समास के भी छह भाग किए गए हैं। तो सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे? को चिन्ह का लोप होता है इसमें। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। दूसरा है करण तत्पुरुष समास, इसकी पहचान कैसी होगी? से, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, शोकाकुल, शोक से आकुल। अगला है संप्रदान तत्पुरुष समास, इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय, चिड़ियाघर, चिड़िया के लिए घर, चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। अगला है अपादान तत्पुरुष समास, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भयभीत, भय से भीत, धनहीन, धन से हीन। उसी प्रकार संबंध तत्पुरुष समास, का के की चिन्हों का लोप होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजकुमार, राजा का कुमार, घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। अब हम पढ़ेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें मे और पर चिन्हों का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ध्यानमग्न, ध्यान में मग्न, प्रेमातुर, प्रेम में आतुर। अब अगला समास क्या है? कर्मधारय समास। इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का संबंध होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, घनश्याम, घन के समान श्याम, नीलकमल, नीला है जो कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। तो इस प्रकार इसका प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है और बाकी सब विशेष्य होता है। अगला है द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समत पद समूह बोधक हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंच तंत्र, पांच तंत्रों का समूह, सप्तर्षि, सात ऋषियों का समूह, पंजाब, पांच आबो अर्थात नदियों का समूह, पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह। अगला क्या है? अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होता है और इसके योग में समस्त पद अव्यय बन जाता है। समास का पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार, बेखबर, बिना खबर के, बेखटके, बिना खटके के, रातों रात, रात ही रात। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद ही प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे दशानन, दस आनन है जिसके अर्थात रावण, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश, मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने अर्थात श्री कृष्ण, नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव, हंस बाहिनी, हंस बाहन है जिसका अर्थात विष्णु, मृग नयनी, मृग के समान नयन है जिसके अर्थात सुंदर स्त्री। अगला क्या है? द्वंद्व समास। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इसके दोनों पद योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। समास विग्रह करने पर और, या, अथवा, तथा, एवं आदि लगाते हैं। जैसे सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन,
दाल चावल, दाल और चावल। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। माता पिता, माता और पिता। तो आज हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? समास के बारे में पढ़ा। तो इसके प्रश्नोत्तर मैं आपको सेंड करूंगी, आपको उसे अपनी कॉपी में लिखना है और उसे लर्न करना है।